सबको पता है कि अगर मुझे अच्छे नंबर लेकर आने हैं अगर मुझे अच्छा करना है तो मुझे क्या करना है कि मुझे अपनी सीट पर चिपक कर दो तीन घंटे ढंग से डेडिकेशन के साथ पढ़ना है है ना यही काम करना है ना? ये जो इतना सिंपल सा प्रोसेस है ना ये हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है ड्यू टू हमारे आस की चीजें ठीक है घर में शोर शराबा चल रहा है दिमाग में शोर चल रहा है समझ नहीं आ रहा चीजें फिर दिमाग भागता है कि भाई पढ़ाई तो बहुत ही ज्यादा टफ लगती है इन सब चीजों से निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अपने दिमाग को बार बार ठीक करके लेकर आना पड़ेगा आपका दिमाग भागेगा उसको बार वापस से खींच के लेकर आना नहीं भाई बैठ यहाँ पे पढ़ यही तो मेरी ड्यूटी है फिर भागेगा फिर उसको खींच के लेकर आना भाई बैठ पढ़ ठीक है तो ये चीज आपके साथ लगातार रहेगी क्योंकि हम रहते ही ऐसे समय में हैं जहाँ पर फोन डिजिटल मीडिया हमारी एक लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिसको हम नहीं काट सकते राइट तो उससे तो हम छूट नहीं सकते ना पढ़ना वहां से है चीज़ें वहां से करनी है बट पढ़ना भी है उसकी वजह से हम अपनी इन सभी चीज़ों को अपने दिमाग पे इतना हावी नहीं होने देंगे कि भाई मेरा टाइम इतना निकलता जा रहा है मुझे बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आता है कि दी हम ब्रेक लेने कर बैठते हैं ठीक है और फिर पता ही नहीं लगता कि ब्रेक लेते लेते कब हमारी स्टडी में ही ब्रेक लग गया तीन घंटे पढ़ा और तीन घंटे टाइम वेस्ट कर दिया दोनों ही इक्वल कर दिए कोई फायदा नहीं हुआ तो इस चीज़ के बाद क्या होता है हमें होता है बहुत ज़्यादा रिग्रेट गिल्ट कि भाई मैंने क्या करा है ना कि तीन घंटे पढ़ा उस बात की तो खुशी थी बट उस बात की खुशी में तीन घंटे और बर्बाद कर दिए जिसमें हम कुछ अच्छा कर सकते थे खुशी बनानी थी बट पंद्रह मिनट बीस मिनट तक बना सकते थे इन सब चीज़ों को हमें टैकल करना है देखो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो दिसंबर वाला मंथ है जो कि खत्म होने वाला है पंद्रह बीस दिनों में बट इसके बीच में अभी विंटर ब्रेक्स होंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये टाइम है जहां पर आप बाजी मार लोगे क्योंकि ये टाइम है जब आपका कोई स्कूल नहीं होगा आपके पास पूरा दिन रहेगा जिन बच्चों की ट्यूशन रहेगी वो लोग बच्चे अपनी कोचिंग जाए लगाए जिन बच्चों की कोचिंग्स नहीं है वो बच्चे तो पूरा ही घर रहने वाले हैं है ना और इस टाइम को आप बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए अब आप वो बच्चे हो सकते हैं जिसका सिलेबस 50 परसेंट कम्प्लीट हुआ हो आप वो स्टूडेंट हो सकते हैं जिसका सिलेबस 70 परसेंट कम्प्लीट हुआ हो या फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आप अभी भी यही कह रहे हो कि मुझे डर लग रहा है पेपरों से मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा हो जाएगा कि नहीं होगा मेरे अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे से चीज़ें याद नहीं हो रही देखो दिक्कत ये नहीं है कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही दिक्कत ये है कि आपको खुद पे भरोसा नहीं है ठीक है आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा शायद ऐसा हो सकता है कि आपके लास्ट टाइम अच्छे नंबर ना आए हों इसकी वजह से आपके दिमाग में एक चीज़ बैठी हो या मेरे अच्छे नंबर नहीं आए थे इस बार कैसे आएंगे लास्ट टाइम तो मैम ने दिया नहीं ना तो उस चीज़ को लेकर दिमाग शायद ऐसा सोच रहा हो बट हमें जो पास्ट था उसको भूल जाओ जो प्रेजेंट है उस पर फोकस करो प्रेजेंट आपके हाथ में है प्रेजेंट में आप हार्डवर्क कर सकते हो ठीक है प्रेजेंट में आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप पास्ट को लेके सोचते रहोगे पुरानी चीज़ें सोचते रहोगे तो नहीं होगा ठीक है हर बंदे की लाइफ में नाकामियां आती हैं हर बंदे की बंदे की लाइफ में सेटबैक्स आते हैं बट व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप पर विश्वास रखो बिलीव इन योर सेल्फ कि भाई हम कर लेंगे हमने करना है और मेरे पास अभी सफिशेंट अमाउंट ऑफ टाइम है बस आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है इस समय कोई भी ऐसी वैसी बुक नहीं उठानी जिस जिसपे आपने पहले काम नहीं कराओ एन सी आर टी पर फोकस करो अगर कोई आप रेफरेंस बुक स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे थे ठीक है तो वही फॉलो करना अगर कोई नहीं पढ़ रहे तो कोई भी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है इस समय हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि भाई अपनी एन सी आर टी अपने जो नोट्स हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा उन नोट्स का टेस्ट देना है और साथ ही साथ में हमारा फोकस होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर से अब वो प्रीवियस ईयर पेपर आप सैंपल पेपर से कर सकते हो ठीक है तो सैंपल पेपर को सॉल्व करो यही तीन चीजों पर फोकस रखो नोट्स को रिवाइज करो एन पढ़ो और सैंपल पेपर यही तीन चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशेंट है नाइनटी परसेंट मार्क्स लेकर आने के लिए राइट इन पे फोकस करेंगे और ये जो फालतू की चीजें हैं डिस्ट्रैक्शन जो कि मैंने आपको बताया ये रहेंगे ही रहेंगी ठीक है तो इनको लेकर परेशान नहीं होना हो सकता है आप तीन चार दिन अच्छा पढ़ लो फिर एक दिन आपका पूरा बर्बाद हो जाए तो इस चीज़ को भी लेके ऐसे नहीं करना कि हाँ यार मेरे को नहीं समझ आता मेरे से तो होता ही नहीं है मेरे से कभी नहीं हो पाएगा जब आप अपने आप से ऐसी बातें करते हो ना तो दिस इज द रीज़न जिसकी वजह से फिर आपको डर लगता है एग्जाम को लेकर कि कैसे होगा कैसे होगा अपने आप को देखो जिंदगी में ना कभी भी बुरा मत बोलना कभी भी नेवर अपने आप को कभी बुरा मत बोलना लोग चाहे आपकी बुराई करें चाहे मम्मी पापा आपके बारे में बुरा बोल दें बट तुमने अपने आप को कभी बुरा नहीं बोलना ठीक है ऑलवेज बिलीव यार मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट बंदा हूँ ठीक है मैं सब कुछ सही कर सकता हूँ मेरे को भाई भगवान ने बनाया है स्पेशल इतनी अच्छी लाइफ दी है है ना तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते मैं बहुत ज़्यादा सही बंदा हूँ मैं बहुत ज़्यादा बिंदास हो आई कैन डू एवरीथिंग है ना स्टडी करनी है स्टडी कर लेंगे भाई मेहनत करेंगे स्टडी कर लेंगे स्टडी करना कोई टफ चीज थोड़ी है बस मेहनत चाहिए अपनी सीट पे चिपक जाना है गोंद की तरह ठीक है ना अपने आप को गूँद लगा के चिपक जाना है कि हाँ करना है एंड वी विल डू इट बट अगर हम वही दूसरी तरफ ये सोचेंगे कि मैं तो यार लेट नाइट फालतू में वेलियाँ मारते हैं टाइम पास करते हैं देखो अपने आप पे भरोसा रखो तुम हर चीज़ बदल सकते हो अब तुम्हें लगता है कि तुम रात को बहुत ज़्यादा वेली पंथी करते हो फालतू में मोबाइल चलाते हो तो रात वाला टाइम जो है उसको दिन में ले आओ रात को मत जागो ज़्यादा लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ या जा फिर दिन में अपने मम्मा पापा पास बैठ के पढ़ो एटलीस्ट किसी की तुम्हारे ऊपर नज़र तो रहेगी ओके चलो तो टारगेट क्या होना चाहिए हमारा एक माइंड में चीज़ बना लो कि सिलेबस कंप्लीट करना है जल्द से जल्द ठीक है दिसंबर जनवरी दस तक जब तक भी ये लेकर चलो कि यार मेरा डेली एक ही टारगेट होना चाहिए सिलेबस जल्दी करना नो मैटर वॉट मूड अच्छा नहीं कोई बात नहीं सिलेबस जल्दी करना टारगेट एक ही है मन नहीं कर रहा पढ़ने का कोई बात नहीं सिलेबस करना यार गुस्सा आ रहा है अपने फ्रेंड पे अपने भाई बहनों पे कोई बात नहीं सिलेबस कंप्लीट करना है दिमाग में एक ही टारगेट होना चाहिए प्रिटेंट करो नहीं पढ़ने का मन कर रहा या पढ़ने का मन नहीं कर रहा क्या करें कोई बात नहीं मेरा पढ़ने का मन कर रहा है प्रीटेंट है ना जान के फेक करो ऐसा करो कि यार तुम समझ लो कि मैं अपनी लाइफ का बॉस हूँ अपने आप को दो हिस्सों में बांट लो एक तरफ यू आर अ बॉस ऑफ योर लाइफ सेकेंड तरफ यू आर ऑल्सो एम्प्लॉय तो तुम्हारा जो बॉस वाला पर्सन है वो तुम्हारे दिमाग में कह रहा है नहीं यार कोई बात नहीं लाइफ में बहुत सारी चीजें बेकार चल रही हैं बट इस समय ज़रूरत किस चीज़ की है पढ़ने की पढ़ते हैं है ना तो वो जो एम्प्लॉय वाला पर्सन है ना उसको करना पड़ेगा कब करेगा वो बंदा जब तुमने ये चीज़ मान ली कि हाँ आई एम द बॉस तब वो बंदा करेगा ओके okay? तो ये चीज़ मान लो फिर होंगी चीजें और वन डे वन टारगेट इस एजेंडा पे काम करना डेली चार पांच चीजें नहीं लिखनी आपको कि ये करना है ये करना है ये करना है फिर उसमें होता क्या है कि दिमाग को हो जाता है स्ट्रेस तो भाई दिमाग भैया भाग जाते हैं फिर वो कहता है कुछ भी नहीं करना तूने उन्हें दस बारह चीज़ें लिखी है ना एक भी नहीं करेंगे फिर रात को बैठ कर रोएंगे ओके okay? फिर दुखी होंगे ये नहीं करना टारगेट सिंपल सा है वन डे वन टारगेट हर दिन का एक टारगेट रखो आज फिजिक्स पढ़ेंगे पांच चैप्टर फिजिक्स के करेंगे ठीक है या फिर तीन चैप्टर फिजिक्स के आज करके ही सोना है ठीक है अगर मैं कहती हूँ कि नहीं मुझे दो सब्जेक्ट करने हैं तो आज हम हिस्ट्री के एक चैप्टर और ज्योग्राफी के तीन चैप्टर तो ये पूरा कंबाइन करके मेरा एक टारगेट है कि हिस्ट्री का एक तीन ज्योग्राफी के तो ये मुझे पूरा करना है एंड दिस इज माय वन टारगेट फॉर द डे जब तक ये नहीं होगा हम रात को अपनी जो है वेली पंथी मारने नहीं निकलेंगे हम सोएंगे नहीं हम टाइम पास नहीं करेंगे ठीक है जो भी तुम फालतू के काम करते हो वो नहीं करेंगे तो इस तरह से बस इतना समझ लो यार कि मुझे क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है और किस किस चीज पर फोकस करना है अवॉइड करो फालतू की बातें अवॉइड करो ड्रामा सीरीज क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आपके अंदर रहेगा या बिग बॉस में क्या हो रहा है या फिर अभी कौन सा कंटेस्टेंट निकल रहा है ये कुछ ना कुछ जो भी आप वेब सीरीज देख रहे हो वो क्रियोसिटी रहती है फिर आप बार बार उसके बारे में रिसर्च करोगे अब क्या होगा नई अपडेट क्या इन सब चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है ठीक है एक बार कर ले यार मेहनत ठीक है ना एक बार आप सभी लोग मेहनत कर लोगे ना फिर बाद में हमें अपने आप को प्राउड होगा कि यार वो टाइम कितना टफ था ना कि मेरा मन नहीं करता था सारी चीज़ें मेरे अगेंस्ट थी बट स्टिल आई डिड इट इसी बात पे तो हम खुशी मनाते हैं ना हम किसी को देखते हैं यार ये बंदे की लाइफ में कितनी ज़्यादा स्ट्रगल्स थी बट स्टिल इस बंदे ने हार नहीं मानी और इसने वो सभी जो स्ट्रगल्स उन सबके अगेंस्ट जाकर मेहनत करी और जीत लिया तो सिमिलरली तुम अपने लाइफ के हीरो हो तुम अपने आप को वैसे ही कंसिडर करो या मेरा पढ़ने का मन नहीं करता मेरी टीचर अच्छी नहीं है कोचिंग में मेरा मन नहीं करता मेरे को इतना ज़्यादा काम दिया जाता है बट स्टिल मैं बैठा हूँ और मैं कर रहा हूँ मैं मेहनत कर रही हूँ ओके तो मुझे बताना आप कौन सी क्लास के हो क्लास टेंथ बोर्ड के हो क्लास ट्वेल्थ बोर्ड के हो या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कमेंट में नीचे लिखना ठीक है ना ताकि मुझे पता लग सके और हम उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी और वीडियोस में बातें ऐड कर सकें और आज की वीडियो बेसिकली मुझे लगता है एक स्टडी टॉक थी जो कि हम करते रहते हैं बट लास्ट वीडियो में काफ़ी बच्चों ने लिखा था कि दी इस तरह की वीडियो हमें और ला के दिया करो क्योंकि ये हमें हेल्प करती हैं अपने माइंड को सही रास्ते पे लेकर आने के लिए हम बार बार भटक जाते हैं हम बार बार रास्ता भूल जाते हैं तो फिर हमें वो एक फील आती है कि नहीं वी हैव टू कम बैक और एक चीज याद रखना कि भाई आप ही अपने साथ हो ट्वेंटी फोर बाय सेवन ठीक है तो आपको अपना ध्यान खुद रखना है आपके मम्मा पापा आपको समझा देंगे मैं आपको समझा दूंगी हम आपको गाइड कर देंगे मम्मा पापा डांट देंगे कि भाई पढ़ ले बट ट्वेंटी फोर बाई से आप खुद अपने साथ हो आपको खुद अपने आप को गाइड करना है तो आप खुद के टीचर बनो खुद अपने आप को हर पॉइंट पे शाबाशी दो यार ये चीजें बहुत बढ़िया करी तूने है ना और ये चीजें नहीं अच्छी करी कोई बात नहीं कर लेंगे बढ़िया अगर ये चीजें दस चीजें अच्छी करी पांच चीजें बेकार भी कर दी तो कोई बात नहीं दस अच्छी भी तो करी है वो पांचों को भी इधर ले आएंगे धीरे धीरे बट वो तभी पॉसिबल है जब तुम खुद पे विश्वास करोगे खुद पे भरोसा करोगे अगर तुम खुद ही अपने ऊपर चढ़े रहोगे यार नहीं होता मेरे को तो डर ही बहुत लगता है फिर नहीं होगा ओके और अगर विश्वास करोगे तो यार क्या चीज़ इम्पॉसिबल है अगर तुम हार्डवर्क करोगे मेहनत करोगे पढ़ाई करोगे ठीक है तो तुम कर लोगे और वैसे भी एग्जाम कोई बहुत ज़्यादा वो है नहीं ठीक है एक अपॉर्चुनिटी है ये अभी आ रहा है एक बोर्ड एग्जाम ठीक है एक बार ये इवेंट हो गया कौन याद रखेगा उसके बाद लाइफ चलती रहेगी तो वो स्ट्रेस नहीं लेना है इसको एक पॉजिटिव वे में लेना है कि ठीक है यार एक मैच आ रहा है उसके लिए अभी हम प्रेपरेशन कर रहे हैं उस मैच के लिए अब तैयार रहो है ना अब घर में कोई फंक्शन होता है तो तैयारी तीन चार महीने पहले शुरू हो जाती है ना कि ये, ये फंक्शन होने वाला है कपड़े खरीद लो कौन से पंडित जी आएंगे कौन कौन से रिश्तेदार आएंगे ये गिफ्ट लिफ्ट तैयार कर लो बस इसको वैसे ही लेकर चलो ठीक है ये कोई एक लाइफ और डेथ की वो थोड़ा ना कि नहीं हुआ तो क्या है ना कुछ नहीं नहीं हुआ तब भी कुछ नहीं हो गया तब भी कुछ नहीं ठीक है दोनों तरफ से कुछ नहीं हमें फर्क पड़ना बस फर्क हमें इस बात से पड़ना चाहिए कि क्या मैं मेहनत कर रहा हूं मेरे से जो चीज मेरे हाथ में है वो है मेहनत करना अगर मैं वो चीज कर रहा हूँ तो फिर सब कुछ सही है फिर बाकी सब चीजों से आउटकम से हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा ओके सो so, आई थिंक यहाँ की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा फिर बोरिंग लगेगा तुम लोगों को मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में टिल देन बाय बाय टेक केयर अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहो मेहनत करते रहो और अपनी क्लास वगैरह बता देना ठीक है मैं आपके कॉमेंट्स का वेट करूंगी टिल देन बाय बाय टेक केयर